गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो गाइस, एक एक्साइटिंग न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो मैसेज आपके लिए करें। तो जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से अपनी कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी के लोगों के सेंटीमेंट्स जो होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पॉर्टेंट समझती है। तो बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे लीडर्स का, बहुत सारी कम्युनिटी की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि जो 18th को रीस्टेकिंग होने जा रही है, इस पे USDB की जो फीस है उसको कम किया जाए। तो हमेशा से जिस तरह आपने देखा है पिछले 3 साल से, इनोवेशन फैक्ट्री जो है अपनी कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन से बढ़ के देने की कोशिश करती है अपनी कम्युनिटी को। तो डिसाइड ये किया है कि 18th की जो रीस्टेकिंग होगी उसके ऊपर USDB नहीं लगेगा, यानी कि जी लें अपनी ज़िंदगी, USDB की कोई ज़रूरत नहीं होगी रीस्टेकिंग के लिए। अब मेरे ख्याल से मेरे जितने भाई, जितने दोस्त, अगर उनको कोई गिला हो रहा था या उनकी चीज़ें थी, अच्छा इसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लीडर्स की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से फीडबैक्स आ रहे होते हैं, तो कंपनी उनको ऐसा उस वक्त एज पर प्लानिंग, एज पर स्ट्रेटजी, कंपनी उसको डिनाई कर देती कि जी हमने नहीं मानना, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कंसीडर किया जा रहा होता है और कोशिश की जा रही होती कि यार लोग जो चाहते हैं कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन कोई भी चेंज, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी एक सिनेरियो बिल्ट होता है, एक स्ट्रेटजी बनती है, एक प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में अगर इसका कोई भी लोगों की जो ख्वाहिशात होती हैं, अगर उसको जो पूरा करने में अगर कंपनी और कम्युनिटी का लॉस नहीं है तो फिर कंपनी कर सकती है, लेकिन अगर लोगों की जो लाइक कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनमें अगर कंपनी को लगे कि यार इससे कम्युनिटी का लॉस है या कंपनी का लॉस है, किसी हवाले से भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो फिर कंपनी नहीं करती। तो जब इस सारी चीज़ों को रिव्यू किया, स्टडी किया, स्ट्रेटजीज देखी, प्लानिंग की और देखा कि कैसे बेस्ट पॉसिबल करके लोगों को ये फैसिलिटेशन दी जा सकती है, तो ये पॉसिबल हो चुका है आपके लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, जो लोग ये सोच रहे थे कि यार हम अगर 1 करोड़ टोकन स्टेक करते हैं तो हमें एक अच्छे खासे USDB की ज़रूरत है, तो खैर कंपनी ने एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए सिस्टम में, स्ट्रेटजीज में थोड़ी बहुत चेंज करके तो ये डिसीजन लिया कि 18 को जो स्टेकिंग होगी उसमें USDB चार्ज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वन मोर थिंग कि 20 तारीख को एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है जो कि अनबिलीवेबल होगा। वैसे तो सरप्राइज आपको ये सैटरडे वाली मीटिंग में भी देंगे, लेकिन 20 तारीख को जो आएगा वो बहुत बड़ा होगा। तो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।